नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पेपर पाठ्यक्रम को अगर देखेंगे तो यूनिट जो 1 है उसमें समसामयिक मुद्दे में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को राष्ट्रीय घटनाएँ के बारे में बताया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं के बारे में बताऊंगा। 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक के सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। प्रथम अफगानिस्तान से संबंधित करेंट अफेयर्स है, इसमें लिखा गया है तालिबान द्वारा जो है नई अफगान सरकार की घोषणा की गई है। तो किस देश में की गई है? तो अफगानिस्तान में की गई है, आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है अफगानिस्तान को जो है नाटो का जो है समर्थन निलंबित कर दिया है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा किस देश को जो है समर्थन निलंबित कर दिया है? तो अफगानिस्तान को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि इजराइल जो है एंटी ड्रोन हथियारों का जो है उपयोग करने वाला पहला देश बना है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, एंटी ड्रोन हथियारों का उपयोग करने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल बना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है मारियो ड्रागी बने प्रधानमंत्री। दोस्तों, मारियो ड्रागी नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो हैं इटली के। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, इटली के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मारियो ड्रागी। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो है चीन ने बनाया है। तो आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि विश्व का सबसे दूसरा बड़ा जो है जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया गया है? तो चीन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि डेनमार्क जो है बना विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल। डेनमार्क ने हाल ही में जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है और ये गिनीज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि विश्व का जो है सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो डेनमार्क में। नेक्स्ट जो है दोस्तों, लिखा गया है कि डेनमार्क बनाएगा विश्व का जो है पहला ऊर्जा द्वीप। तो आपसे सवाल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश द्वारा जो बनाया जाएगा? तो डेनमार्क द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि सामिया हसन बनी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है, या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो सामिया हसन। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि इस्टोनिया जो है इस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है काजा कालास बर्नी। काजा जो है कालास बर्नी जो है इस्टोनिया की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री बनी है, आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि दुनिया का सबसे लंबे पैदल यात्री जो है सस्पेंशन ब्रिज का अनावरण कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में। अच्छा दोस्तों, बोत्सवाना में मिला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। तो दोस्तों, आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पर मिला है? तो बोत्सवाना में मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, लिखा गया है जो बाइडन बने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति का क्या नाम है? जो बाइडन है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। साथ ही साथ आपको 49वीं जो हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो बनी है वो है कमला हैरिस, इनके भी नाम याद रखना है। तो कमला हैरिस जो है 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो है पहला खाड़ी देश बना है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, यूएई जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो है पहला खाड़ी देश बना है। नेक्स्ट है दोस्तों, लिखा गया दुबई में खुला दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में जो है दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल खुला है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि इच्छा मृत्यु
को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है स्पेन ने। हाल ही में जो है स्पेन ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में कौन ऐसे देश हैं जो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है, तो वो है स्पेन। नेक्स्ट है दोस्तों, लिखा गया स्वीडन जो है विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त इस्पात विकसित किया है, तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में कौन ऐसे देश हैं जो कि विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त इस्पात विकसित किया है, तो वो है स्वीडन। नेक्स्ट है दोस्तों, लिखा गया है कि श्रीलंका में जो है फूड इमरजेंसी घोषित किया है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है गोटबाया राजपक्षे ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण जो है खाद कीमतों में वृद्धि के बाद जो है आर्थिक आपात की घोषणा की है, तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में कौन से देश ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की है, तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। दोस्तों आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो वो है 142वां। आप सभी को याद रखना है कि भारत का जो स्थान रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वां है। नेक्स्ट है दोस्तों, लिखा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी किया गया SDSN द्वारा, और भारत का जो स्थान रहा है आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा गया है कि भारत का जो स्थान है वो है 139 स्थान आया है। 149 देशों में 139 स्थान है। विश्व जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में जो है भारत का स्थान है 139वां, और लगातार जो है शीर्ष स्थान पर फिनलैंड रहा है, तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान जो है 139वां है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, लिखा गया है वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत का जो स्थान है 140वां आया है 2021 में। आप सभी को ध्यान में रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला जाता है, 2021 में भारत का स्थान रहा है 140वां, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जो कि GIPC द्वारा निकाला जाता है, US के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा निकाला जाता है। भारत का जो स्थान रहा है आप यहां पर देखेंगे 50 देशों में से 40वां स्थान हासिल किया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है 50 बौद्धिक संपदा से संबंधित संकेतों में जो है भारत का स्थान जो है 40वां है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक ऑस्ट्रेलिया स्थित जो है लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें 98 देशों के बीच जो है भारत का जो स्थान है 86वें, और शीर्ष 3 देशों में न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान जो है शीर्ष 3 देश हैं। दोस्तों इस प्रकार मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रमुख घटनाएं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।